यहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको चूड़ीदार पजामे की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। देखिए, ये मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। सबसे पहले हम कपड़े को खोल लेंगे। और देखिए, ये मैंने कपड़ा खोल लिया है। ये कपड़े की लंबाई है, ये आप देख सकते हैं, और ये कपड़े की चौड़ाई है। अब हम चौड़ाई में से कपड़े को वापस ऐसे मोड़ लेंगे। ये मैंने चौड़ाई में से कपड़ा फोल्ड कर लिया है। और देखिए, चूड़ीदार पजामे में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे आप नॉर्मल लेडीज के लिए बना रहे हैं, तो आपको 1.25 मीटर की चौड़ाई का कपड़ा लेना है। देखिए, ये मैंने 1.25 मीटर की चौड़ाई का कपड़ा लिया है। फोल्ड करने के बाद ये 17 इंच है। और अगर आप हेल्दी हैं, तो आपको इसकी चौड़ाई जो 1 मीटर लेनी होगी, यानी कि फोल्ड करने के बाद 20 इंच रहना चाहिए। ये मैं नॉर्मल लेडीज़ के लिए बना रही हूँ, तो मैंने इसकी चौड़ाई 1.25 मीटर की ली है। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बता दूँ। देखिए, ये मेरे पास हमारी पजामी का मेजरमेंट है। 40 इंच हमारी पजामी की लंबाई है, यह आप देख सकते हैं। तो इसमें 15 इंच हम चूड़ी बनाने के लिए प्लस करते हैं और 15 इंच हम इसके आसन के लिए प्लस करते हैं। आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा मेजरमेंट। देखिए, मैं आपको इस कपड़े पे इसकी जो मेजरमेंट है वो लेके बताती हूँ। तो यहाँ से हमने ये फोल्ड कर रखा है और ये खुले की साइड है। खुले की साइड से देखिए, हम सबसे पहले 40 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये देखिए, 40 इंच हमने अपनी पजामी की लंबाई रखनी है। और इसके बाद हमने 15 इंच इसमें चूड़ी बनाने के लिए प्लस करना है। यहाँ पे हमने 15 इंच पे निशान लगाया है, तो इसमें से 1 इंच नीचे मोहरी के लिए फोल्ड कर देंगे, तो 14 इंच हमारी चूड़ी बनाने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रह जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें 15 इंच नीचे आसन के लिए प्लस करेंगे। ये मैंने 15 इंच आसन के लिए प्लस किया है। इसमें से 1 इंच ऊपर नेपा के लिए फोल्ड हो जाएगा, यानी कि हम इसको यहाँ से 15 इंच प्लस करके और जो भी बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट देंगे यहाँ से। यहाँ से देखिए, ये हमने 10 इंच का कपड़ा यहाँ से निकाल दिया है। अब हमारा जो ये कपड़ा है, ये 1.25 मीटर बच गया है, यानी कि 1.25 मीटर में हमारी पजामी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे इसमें सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये खुले वाली साइड है, तो यहाँ पे हम इसमें सिलाई लगा लेंगे और इसकी हम इस साइड में भी सिलाई लगा लेंगे, यहाँ पे भी। और देखिए, यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है, ये आप देख सकते हैं, और इसकी मैंने इस साइड में भी सिलाई लगा ली है, ये देखिए। और यहाँ पे ये हमारी खुले वाली साइड है, ये आप देख सकते हैं, और ये बंद वाली साइड है। अब इसके बाद देखिए, हम यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे ये खुले वाली साइड है, खुले वाली साइड में हम 15 इंच पे आसन के लिए निशान लगाएंगे। और देखिए, ये मैं बिना बेल्ट वाली चूड़ीदार पजामी बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं आसन के लिए 15 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये मैंने 15 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ से हम इसको ऐसे पकड़ेंगे इस तरह से, और इस पे हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, यानी कि हम इस साइड से भी कपड़े को एकदम सिल लेंगे और ये कपड़ा हमारा बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है और ये कपड़ा हमारा चारों तरफ से बंद हो गया है और ये एकदम थैली जैसा बन गया है ये कपड़ा। यह आप देख सकते हैं, मैं आपको सीधा करके दिखा दूँ। ये देखिए, और इस साइड से भी आप देख सकते हैं, इस साइड में
ये जो सिलाई है नीचे की तरफ आ गई है। अब हम देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से दोनों साइड में से इसकी कटिंग कर लेंगे, यानी कि ये साइड हम इसकी खुली कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसमें छोटा सा कट लगाएंगे, उसके बाद हम इसकी ऐसे कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इस साइड से भी इसकी कटिंग कर लेंगे और देखिए इसी तरीके से आप बेल्ट वाली भी बना सकते हैं। मैं ये बिना बेल्ट वाली बना रही हूँ। अब हम इस कपड़े को यहाँ से ऐसे घुमाएंगे ताकि हमारी जो सिलाई है मोहरी पे नहीं आएगी। तो यहाँ से हम कपड़े को एकदम घुमा के सीधा कर लेते हैं। अब देखिए ये जो सिलाई है हमारी यहाँ पे मोहरी पे नहीं आएगी, यहाँ पे ये हमारी मोहरी रह जाएगी। तो यहाँ पे हम 5 इंच की मोहरी रखेंगे और आधा इंच इसमें सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे। तो 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पे 16 इंच पे निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ, ये देखिए। और यहाँ पे भी हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हम इसे सीधा कर देंगे। और इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे भी हमारी सिलाई ये मोहरी पे नहीं आएगी। यह आप देख सकते हैं, यहाँ से भी हमने 5.5 इंच रख लिया है। तो यहाँ पे भी हम 5.5 इंच पे निशान लगा के ये देखिए, और ऊपर की तरफ यहाँ पे भी हम 16 इंच पे ही लगाएंगे और इस निशान को भी हम ऐसे सीधा कर लेंगे। इसके बाद एक निशान हम यहाँ पे ऐसे तिरछा लगा लेंगे और यहाँ पे निशान मैंने तिरछा लगा लिया है। इसके बाद हम अपनी पजामी की यहाँ पे शेप देंगे इसमें, इस तरीके से, ये देखिए। और अब यहाँ से जो बीच में एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए, ये मैंने कटिंग इसकी कंप्लीट कर ली है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इनको ऐसे बराबर में रखेंगे और ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, अगर आप हेल्दी हैं तो आप इसमें यहाँ पे आसन भी जॉइंट कर सकते हैं, यहाँ पे, ये देखिए। आप अगर हेल्दी हैं तो यहाँ पे इस तरीके से आसन जॉइंट करके और इसकी सिलाई कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल हैं तो आपको यहाँ पे देखिए, नॉर्मल के लिए हम यहाँ पे ये 12 इंच पे निशान लगाएंगे ऊपर, तो ये हमारी यानी कि 48 इंच की कमर हो जाएगी ऊपर से। 12 दूनी 24 और 24 का 48 होता है, डबल करते हैं तो यहाँ पे हम इसमें इस तरीके से शेप देके और इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे आपको आसन लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नॉर्मल हैं तो, और अगर आप हेल्दी हैं तो यहाँ पे आपको ये आसन लगाना पड़ेगा, और अगर आप नॉर्मल हैं तो यहाँ पे आपको आसन लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, मैं इसको नॉर्मल के लिए ही बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर ली है मैंने। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम दोनों साइड के आसन को जॉइंट करेंगे। यहाँ से हम दोनों साइड के आसन को पकड़ेंगे और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। और देखिए, ये मैं बिना बेल्ट वाली चूड़ीदार पजामी बना रही हूँ, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और इसी तरीके से आप बेल्ट वाली भी बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम यहाँ पे डोरी डालने के लिए यहाँ पे हम इसमें सिलाई लगाएंगे।
ये देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे ये आसन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसी तरीके से दूसरी साइड के आसन को भी कंप्लीट कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे मैंने सिंगल सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद यहाँ पे हम हल्का सा कट लगाएंगे और यहाँ पे हम आसन पे डबल सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड के आसन पे आपको डबल सिलाई लगानी है। और ये मैंने यहाँ पे डबल सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे भी हम इस कपड़े को दोनों साइड में ऐसे मोड़ के और इस पे सिलाई लगा लेंगे ताकि हम दोनों साइड से किसी भी साइड से इसमें हम डोरी डाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पे सिलाई लगा के मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम इसका यहाँ से नेफा मोड़ेंगे। अगर आप इसमें इलास्टिक लगाना चाहें तो इलास्टिक भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें डोरी डालूंगी तो यहाँ पे मैं इसका सिंपल नेफा मोड़ के तैयार कर लूँगी। और देखिए ये हम बिना बेल्ट वाली चूड़ीदार पजामी बना रहे हैं। अगर आपको बेल्ट वाली चूड़ीदार पजामी की वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको बेल्ट वाली चूड़ीदार पजामी की लिंक दे दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसका नेफा तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ से इसकी सिलाई खोलेंगे। ध्यान रखना है कपड़ा नहीं कटना चाहिए। और ये हमारी सिलाई यहाँ से ओपन हो गई है। अब आप इसमें यहाँ से आराम से डोरी डाल सकते हैं, ये देखिए। अब इसके बाद हम इसकी लास्ट वाली सिलाई लगा के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मोहरी पे मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे और जितनी आपको मोहरी रखनी है उतनी मोहरी रख सकते हैं। और आप यहां से इसको ओपन रखना चाहें तो नीचे से ओपन भी रख सकते हैं और इसमें आप हुक या बटन कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल ही तैयार करूंगी तो यहां पे मैं सिलाई लगा लूंगी। तो यहां पे आपको पक्की सिलाई लगानी है पूरी पजामी के ऊपर, लास्ट में आपको डबल सिलाई लगानी है। और देखिए ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के और पजामी कंप्लीट कर ली है और ये मैंने सीधी कर ली है, ये आप देख सकते हैं दोनों साइड से। और यहाँ पे ये इसका आसन है, काफ़ी सारी लूजिंग है आसन में, आप देख सकते हैं ये देखिए। और यहाँ पे हमने इसका नेफा तैयार कर लिया है और ये हमारी पूरी पजामी एकदम कंप्लीट है। अब मैं आपको ये पूरी दिखाती हूँ, ये देखिए ये हमारी पूरी पजामी एकदम कंप्लीट है, आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर पजामी बनके हमारी कंप्लीट है और आप इसको आसानी से बना सकते हैं, ये देखिए। और इसमें काफ़ी सारी चूड़ियाँ बनेंगी नीचे की साइड और ये पहनने के बाद में बहुत ही सुंदर लगती है, आप देख सकते हैं पहनने के बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखेगी, कितनी सुंदर लग रही है। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़